प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर में भूमिहीन मूल निवासियों के लिए की 1,60,000 भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत। कहा, ऐतिहासिक बोडो समझौते से शांति और विकास के मार्ग पर लौटा असम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, नेताजी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए लें प्रेरणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सरकार का अहम फैसला, अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत सांसदों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। कहा, नेताजी ने देश को एक करने के लिए किया काम। नेताजी सुभाष चंद्र के सम्मान में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किया नेताजी एक्सप्रेस। देश में कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर सुधर कर 96.82% हुई, मृत्यु दर 1.44% पर बरकरार। दुनिया भर में कोविड 19 मामलों की संख्या बढ़कर हुई 9,82,00,000 के पार, मृतकों की संख्या में 21,01,000 पहुंची। कल होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता। चीन सीमा के साथ लगती मोल्डो पोस्ट पर आयोजित होगी वार्ता। अब खबरें खेल जगत से। जंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 में दिखी लद्दाख की संस्कृति। आइस हॉकी फाइनल से पहले स्थानीय कलाकारों ने पेश किया एली यतु लोक नृत्य।